रेल मंत्रालय ने अपने किराया वापसी के नियमों में व्यापक बदलाव किया है, जिसके तहत यात्रियों का अधिकतम धन वापसी के लिए अपना टिकट मौजूदा 24 घंटे के नियम के बजाय यात्रा के 48 घंटे पहले रद्द करना पड़ेगा। हाय गाइस, मेरा नाम प्रताप है और आज के मैं अपने इस वीडियो में कैंसिलेशन के बारे में बतलाने वाला हूँ। रेलवे पैसेंजर के दिमाग में ट्रेनों को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल टिकट कैंसिल कराने पर मिलने वाला रिफंड को लेकर होता है। जानिए क्या है रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम। पहला, यदि कोई कंफर्म टिकट ट्रेन छूटने के समय के 48 घंटे पहले कैंसिल कराया जाता है तो कैंसिलेशन चार्ज कुछ इस तरह से होंगे। एसी फर्स्ट क्लास ₹240, एग्जीक्यूटिव क्लास एसी टू टायर फर्स्ट क्लास ₹200, एसी थ्री टायर एसी चेयर कार एसी इकोनॉमी ₹180, स्लीपर क्लास ₹120, सेकेंड क्लास ₹60 प्रति पैसेंजर का ये लिस्ट है। यदि कोई कंफर्म टिकट ट्रेन छूटने के 48 से 12 घंटे पहले कैंसिल कराया जाता है तो किराया का 25% कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर काटा जाएगा। यदि कोई कंफर्म टिकट ट्रेन छूटने के 12 से 4 घंटे के बीच कैंसिल कराता है तो किराए का 50% कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। यदि कंफर्म टिकट 4 घंटे पहले तक कैंसिल नहीं कराया जाता है या DDR टिकट डिपॉजिट ऑनलाइन नहीं भरी जाती है तो कोई रिफंड क्लेम नहीं किया जा सकता है। यदि कोई RAC या वेटिंग लिस्ट टिकट ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक कैंसिल कराया जाता है तो रिफंड मिलेगा। ई टिकट को इंटरनेट के जरिए ही कैंसिल कराया जाता है और रिफंड अमाउंट उसी खाते में जमा कराई जाती है जिसमें पेमेंट किया गया था। यदि ट्रेन किसी कारण से कैंसिल होती है और आपने ई टिकट लिया है तो आपको DDR भरने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि ट्रेन किसी कारण से तय समय से 3 घंटे से ज़्यादा विलंब होती है तो ऐसे समय टिकट कैंसिल कराने पर कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं किया जाएगा। विंडो से रिजर्वेशन लिया है और ट्रेन कैंसिल हो गई है तो यात्रा के दिन सहित 3 दिन के भीतर टिकट कैंसिल कराया जा सकता है, इसमें कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा। कंफर्म तत्काल टिकट कैंसिल होने की स्थिति में कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। यदि ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा देर से चल रही है तो कैंसिल हो गई है तो आपको TDR भरकर रिफंड क्लेम करना होगा। यदि आपने कई पैसेंजर के ई टिकट लिया है और कुछ का टिकट कंफर्म है और बाकी का वेटिंग या RAC है तो ऐसे टिकट को कैंसिल कराने पर कंफर्म वालों को 4 घंटे के पहले टिकट रद्द कराना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मैं आपके पास नया वीडियो लाता रहूँगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।